दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर दे दिया है, जिनमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और लीज डीड में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस हैं जहां से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो जो डिस्क्वालीफाई के कुछ रीजंस हैं उनको आप जरूर देख लें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपको वहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों एक कंसल्टेंट हैं जो आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरी शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए नॉलेजेबल वीडियो पेट्रोल पंप से नए नए अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। हमारे पास ढेर सारे मेरे कुछ व्यूअर्स ने और कुछ सब्सक्रिप्शन के जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने भी मुझे ये क्वेरी किया कि सर, मुझे लैंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप लैंड का अरेंजमेंट करवा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, लैंड का अरेंजमेंट करवाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि पैन इंडिया में हम अवेलेबल करवा पाएँ आपको, बट हाँ दोस्तों, कुछ हमारे कंसल्टेंट हैं जो मुंबई में, महाराष्ट्र में वो काम कर रहे हैं, जो आपको लैंड प्रोवाइड करवा के देंगे, लीज डीड करवा के देंगे, साथ में दोस्तों पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको बनवा के देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र और मुंबई में जहाँ पर आपको लैंड ईजिली अवेलेबल हो सकता है। वह है दोस्तों पुणे, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा। आप जितने लोग भी हैं अगर इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे पुणे, सतारा, शोलापुर, नांदेड़, औरंगाबाद, लातूर और महाराष्ट्र के कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्पेशली मैंने देखा है दोस्तों कि एससी और एसटी कैटेगरी में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको लैंड प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, विद इन ए लोकेशन नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो उनके कुछ अलग कंडीशंस होते हैं कि मुझे पार्टनरशिप करना है तब मैं आपको लैंड प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, अगर आप सीरियसली फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो एक कंसल्टेंट हैं, इनसे आप बात करके उनसे अपने अकॉर्डिंग जो भी उनके टर्म एंड कंडीशन हो, आपके टर्म एंड कंडीशन हो, उसको आप देख के बातचीत करके लैंड आप ले सकते हैं। वो आपका लीज डीड करवा देंगे और आपका फॉर्म अप्लाई करवा देंगे। अभी 20 दिन का टाइम है दोस्तों, काफ़ी टाइम है, अगर आप चाहेंगे तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र के जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे ढेर सारे एप्लीकेंट्स हैं एससी और एसटी कैटेगरी के जिनको लैंड नहीं मिल पा रही है, तो वो मिस्टर संदीप कुलकर्णी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और साथ में दोस्तों स्क्रीन पे भी आपके फ्लैश कर रहा है, उनसे आप बात कर सकते हैं। बात करने के बाद दोस्तों, अगर उनकी कंडीशंस आपको ठीक लगे और आप अपने कंडीशंस को रखिएगा, जो भी चीज़ें हों आप आपस में क्लियर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, उन्होंने मुझे बोला है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं एससी और एसटी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं बट उनको लैंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ और साथ ही मेरी कुछ बातचीत चल रही है
मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटका में, जहाँ पे मैं जल्दी ही 1 से 2 दिन में कुछ इस तरह के कंसल्टेंट से संपर्क कर रहा हूँ। अगर वो जेन्युइन लगे मुझे तो मैं आपको नंबर उनका शेयर कर दूंगा। आप भी बातचीत करके वहाँ के जो भी एप्लीकेंट्स हैं आपको लैंड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपका एप्लीकेशन करवा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों कुछ मेरे और भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर कोई एक लैंड है, स्पेसिफिक लैंड है और उस एरिया में 2 कंपनी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो क्या हम सेम लैंड पे दोनों कंपनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग नेम से? जी दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप एक लैंड पे 2 एप्लीकेशन करते हैं तो इस कंडीशन में दो के दोनों एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन होने वाला हो और 2 एप्लीकेशंस की वजह से आप दोनों लोगों का एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाए, तो इस चीज़ से बचिए आप दोस्तों। एक लैंड पे एक ही फॉर्म को आप अप्लाई करें, कंपनी के नॉर्म्स को आप माने, उनके जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, और साथ ही दोस्तों आप जहाँ पे भी लैंड को लीज करवा रहे हैं या फिर आपकी अपनी खुद की है या फिर अपेंडिक्स 3 ले रहे हैं, तो एक एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी लैंड है वो NHAI, अगर नेशनल हाईवे पे है तो NHAI पे, और स्टेट हाईवे पे है तो NHAI के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप फॉर्म अप्लाई कर दें और NHAI और स्टेट हाईवे आपको इन्हें उसे प्रोवाइड ना करें, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और साथ ही दोस्तों जो स्टेट में विलेज रोड हैं या MDR रोड हैं जो PWD के अंडर में आते हैं, तो PWD के जो भी नॉर्म्स हैं दोस्तों वो रूरल का अलग है, अर्बन का अलग है, तो उनको आप आराम से देखिए, चीज़ों को समझिए, फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारे रूल एंड रेगुलेशन को समझ लीजिएगा, आफ्टर दैट ही फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने में अभी टाइम है और दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए कि ग्रुप 1 में आए जिसमें सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र के लोगों से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको लैंड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, लैंड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उनको लैंड मिल जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।